मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, OCA मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। इंदौर में किन्नर के साथ रहने को लेकर हुआ विवाद, एक युवक की चाकू मारकर की हत्या, पुराने लिव इन पार्टनर ने मारी। विदिशा में राखी बांधने जा रही बहन, बेतवा नदी में 9 किलोमीटर बही, रेस्क्यू टीम की बोट भी पलटी, 12 घंटे नदी में गुजारे, टायर की सहायता से निकाला ग्रामीणों ने बाहर। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इस अभियान के तहत करीब 1,51,00,000 तिरंगा लगाने का लक्ष्य किया तय। अभियान को आम लोगों का मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स। हालात ऐसे कि राजधानी भोपाल की दुकानों पर तिरंगा की शॉर्टेज, मीडियम साइज का भी झंडा मार्केट में नहीं उपलब्ध। इंदौर में भी सरकारी रेट पर बेचे जा रहे झंडे का स्टॉक खत्म। सागर के सानो थाना अंतर्गत ग्राम हिलगंज से पकड़ा बिजली चोर ग्रोह, ग्रामीणों ने देर रात खंभों से बिजली तार काटते, चोरों को मौके से धर दबोचा, भारी मात्रा में बिजली तार किया जब्त। पुलिस और विद्युत मंडल अधिकारी कर रहे मामले की छानबीन। सागर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत संयुक्त संचालक डॉक्टर नीना गिरियन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर डीके गोस्वामी द्वारा समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में तिरंगा झंडा किया गया वितरित। जब हम इससे कई साल पहले तक सिर्फ ऑफिसेज में और किसी संस्थानों में या स्कूलों में हम लोग झंडे को फहराते थे, लेकिन इस साल जब हम 75 साल पूरे कर रहे हैं तो हम झंडे को हमारे हर अपने अपने घर में लगाने का एक सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये झंडा हमें क्या प्रदर्शित करता है, इसके 3 कलर्स हैं, सबको मालूम होना चाहिए। सबसे ऊपर आता है सैफ्रॉन कलर। ये सैफ्रॉन कलर बताता है कि स्ट्रेंथ, एक ताकत और एक बलिदान जो हमारे पूर्वजों ने दिया, जो सिपाहियों ने दिया, जो आर्मी में लड़े और हमारे देश को आजाद कराया। दूसरा वाइट कलर होता है, जो ये बताता है कि हमें हमारे देश में शांति रखना है, शांति से एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहना है। और तीसरा ये हरा कलर बताता है फर्टिलिटी, उपजाऊ, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, ये सारी चीजें हरा रंग बताता है। और बीच में होता है एक अशोक चक्र जो नीले रंग का होता है, जो अशोक चक्र कहलाता है। इसमें 24 ये स्पोक्स होते हैं इस व्हील के अंदर, और ये 24 इसलिए होते हैं कि मनुष्य में 24 गुणों को अपनाने की शक्ति होना चाहिए। ये एक एक जो वीर का जो एक वो चक्र है, वो बता, चक्र का जो एक एक स्पोक है वो बताता है कि आपको अपना नेचर कैसे बनाना चाहिए। सागर में भाजपा के स्वयंसेवी संस्था प्रकोष्ठ द्वारा प्रदेश सह संयोजक प्रांशुक जैन के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत लगे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को निकालकर सम्मान पूर्वक लगाया गया और आमजनों से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को शासन द्वारा जारी निर्देश के दिशा निर्देशों के अनुरूप सम्मान लगाने का किया गया आग्रह। टीकमगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पुलिस द्वारा पुलिस लाइन से मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन, जिसमें पुलिस के अधिकारी पुलिस टीम सहित हाथों में तिरंगा झंडा लेकर मैराथन दौड़ में भाग लेकर लोगों को हर घर तिरंगा लगाने के लिए किया गया जागरूक। सागर स्मार्ट सिटी के संविदा उपयंत्री पर हुई फर्जी FIR को तत्काल निरस्त करने की मांग करते हुए स्मार्ट सिटी के संविदा कर्मचारी यूनियन के सभी सदस्यों ने काम बंद कर किया धरना। कलेक्टर और SP के नाम से कलेक्टर ऑफिस के साथ साथ निगम आयुक्त और स्मार्ट सिटी CEO को सौंपा ज्ञापन। भिंड जिले के 13 निकायों में से 8 निकायों के अध्यक्षों की हुई घोषणा। जिले के 2 मंत्री होने के बावजूद महगांव कांग्रेस ने हथियाली, भाजपा से नगर पालिका अध्यक्ष की सीट BJP के गढ़ में कांग्रेस ने लगाई सैन।
निश्चित तौर पर जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ है, आदरणीय कमलनाथ जी के साथ है। आज जिस प्रकार से जनता ने तो उसी दिन यहाँ महगांव में कांग्रेस का अध्यक्ष बनना तय कर दिया था, जिस दिन पार्षदों की संख्या यहाँ कांग्रेस की 8 आई हुई थी, निश्चित तौर पर अब यह एक प्रतीक, उन्होंने एक संदेश दे दिया है 2023 के लिए कि भाजपा जिस प्रकार से तानाशाह चलाना चाहती है। कई जगह भारतीय जनता पार्टी ने दरबार का उपयोग किया, प्रशासन की तानाशाही का उपयोग किया, लेकिन कांग्रेस के निडर सिपाही, कांग्रेस के में विश्वास रखने वाले हमारे कांग्रेस के जाबाज नवनियुक्त पार्षदों ने अपने विश्वास के साथ अटिंग तरीके से डटे रहे और यहाँ नए अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में यहाँ आज कांग्रेस को विजय मिली है। समस्त निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी जो हैं श्रीमती कंचन राठौर जी, कंचन पिंटू राठौर जी यहाँ से विजयी हुई हैं और अच्छे स्पष्ट बहुमत के साथ जो है अध्यक्ष चुनी गई हैं। और पहले भी आपने देखा था जिस प्रकार से पार्षदों का भी बहुमत था कांग्रेस का, और अब पार्षदों के बहुमत के बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का भी मुझे लगता है दोनों कांग्रेस के पक्ष में आएगा चुनाव। तो इसलिए मैं महगांव की जनता का आभारी हूँ और महगांव की जनता ने इस बात का संदेश दिया है पूरे प्रदेश में कि मंत्री हो या कोई बड़े अधिकारी हो उनसे प्रभावित नहीं होगी, जो जनता का सेवक होगा, जो जनता के बीच में लोकप्रिय होगा, जो रहेगा जनता उसी के साथ खड़ी रहेगी। और यह परिणाम इस बात का संकेत है, प्रतीक है कि एक मेहनती व्यक्ति को, एक मेहनती महिला को यहाँ से जिता करके भेजा है और अध्यक्ष बना के भेजा है राठौर समाज की महिला को। तो इसके लिए मैं महगांव की जनता का सदैव जनता के विकास के बारे में क्या कहेंगे? जनता के विकास का दायित्व आज से जो है अध्यक्षा जी को सौंपा जाएगा और निश्चित ही मैं चाहूँगा कि यहाँ से आने वाले पंचवर्षीय जो कार्य भाजपा के लोग नहीं कर पाए या जो लोग अपने भ्रष्टाचार का पैसा खा गए इस बीच में, उन सब पर मैं लगाम लगाऊंगा। भ्रष्ट चाहे अधिकारी हो या कोई कार्यकर्ता हो या कोई पार्षद भी हो सकता है, उन सब पर लगाम लगाई जाएगी। सागर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत युवाओं में गजब का उत्साह मिल रहा देखने। शहर के कौघाट पर स्थित गुप्तेश्वर नाव मंदिर के चारों तरफ युवाओं ने लगाए तिरंगे झंडे। तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आया बाबा भोलेनाथ का मंदिर। मनीष मोबाइल, सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। बजाज एवं HDB से फाइनेंस सुविधा, मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स होलसेल रेट पर, मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, OCM मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। हमारा पता है नगर निगम मार्केट, आर्य समाज स्कूल के सामने, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9993706839, 8770-06-9788.